नमस्कार, मैं शिवानी, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जमीन रजिस्ट्री कराने वाले ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी, कर्मचारी चयन आयोग करेगा महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति। अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। सीएम नीतीश के गृह जिले में जदयू कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। राहुल द्रविड़ ने रविंद्र जडेजा को लेकर दिया बड़ा अपडेट। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जमीन रजिस्ट्री कराने वाले ग्रामीणों के लिए बड़ी खुशखबरी। बिहार देश का पहला राज्य बनेगा जहां जमीन के निबंधनार्थी के लिए मुफ्त में बस की सुविधा बहाल होगी। जी हां, सरकार ने यह फैसला ऑफिस के अंदर से बिचौलियों को खत्म करने व मॉडल डेट से होने वाले रजिस्ट्री को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया है। आपको बताते चले कि 19 सितंबर से पूरे बिहार के रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले के साथ पहचान के लिए सरकार निःशुल्क बस की सुविधा मुहैया कराएगी। इसके लिए निषिद्ध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने हरी झंडी दे दी है, जिसके बाद बीते दिन विभागीय अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राज्य भर के रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर इसकी तैयारी करने का आदेश दिया है। अब नहीं बच पाएंगे शराबी। तमाम कोशिशों के बाद भी शराब या ड्रग्स लेने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी कोशिश में जुटी हुई है। बिहार में ड्रग्स या शराब का सेवन करने वाले लोग अब किसी भी हाल में नहीं बच सकेंगे। इसके लिए मद्य निषेध विभाग ने अब नई तैयारी की है। विभाग अब ब्रेथ एनालाइजर या अन्य स्रोतों से जाँच में स्पष्ट नहीं होने पर लोगों के खून या यूरिन की जाँच कर उसमें नशीले पदार्थ की मात्रा का पता आसानी से लगा सकेगा। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसके लिए जापानी कंपनी सिमाजू से 1,40,00,000 की लागत पर गैस क्रोमोटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमीटर मशीन खरीदी है। इस मशीन की सहायता से खून में अल्कोहल की मात्रा के साथ ही सभी प्रकार के जहरीले व नशीले पदार्थ जैसे चरस, गांजा, अफीम आदि की जांच की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग करेगा महाविद्यालयों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति। राज्य के 893 उच्च माध्यमिक विद्यालयों और 300 अंगीभूत महाविद्यालयों में इस साल लाइब्रेरियन की नियुक्ति होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली तैयार कराई जा रही है। आपको बता दें कि अभी तक अंगीभूत महाविद्यालयों में पुस्तकाध्यक्ष या पुस्तकालय सहायक के पद पर विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्ति की जाती थी। इस पर सरकार ने रोक लगा दी है। नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारी चयन आयोग को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। नाटकीय हुई शहर की सड़कें। बिहार में अधिकांश नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का हड़ताल बीते 8 दिनों से जारी है। जहां तक जानकारी मिल पाई है, पटना, बेगूसराय, सिवान जैसे शहरों में सफाई कर्मचारी वेतन वृद्धि सहित अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर डटे हुए हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर के साथ सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद आक्रोशित सफाई कर्मचारियों ने अभी भी अपना हड़ताल खत्म नहीं किया है। आज सुबह तक के अपडेट की बात करें तो अलग अलग शहरों में से चौक चौराहे पर कचरों का अंबार देखने को मिल रहा है। साथ ही राज्य में हो रही बारिश के बाद इन कचरों से सड़कों की स्थिति नाटकीय हो गई है। अभी जारी रहेगा बारिश का सिलसिला। बिहार में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू है। बिहार में मॉनसून की बारिश कमोबेश अक्टूबर के मध्य तक जारी रहेगी। मौसमी परिस्थितियां जिस तरह का संकेत दे रही हैं, उसके अनुसार अक्टूबर मध्य तक पूर्वोत्तर भाग में मॉनसूनी गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम विज्ञान विभाग ने हाल ही में सितंबर में देश भर में राज्य सामान्य से अधिक बारिश का पूर्वानुमान किया है। ऐसे में पूरे सितंबर तक बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राजधानी पटना सहित कमोबेश सभी जिलों में बारिश की स्थिति देखने को मिलेगी। देर शाम भी बारिश के बौछार आपको भिगो सकते हैं। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। लोगों से खराब मौसम में खुले में न निकलने की अपील की गई है। सृजन घोटाला में आरोपित संजय कुमार के घर सीबीआई की रेड। बिहार का बहुचर्चित सृजन घोटाला मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा की भागलपुर शाखा के तत्कालीन अधिकारी संजय कुमार के घर बीते दिन सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। स्थानीय सदर थाना पुलिस की मदद से सीबीआई की आई टीम ने संजय कुमार के न्यू कॉलोनी स्थित घर पहुंच घर वालों से पूछताछ की। सीबीआई टीम को घर में मौजूद उनकी माँ से ही मुलाकात हो पाई। माँ के साथ एक नर्स भी घर पर मौजूद थी। आपको बताते चले कि सृजन घोटाले में कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में ना जाकर या वहां से निकालकर सृजन महिला विकास सहयोग समिति नाम के एक एनजीओ के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। इसी मामले के आरोपित संजय कुमार के घर सीबीआई ने छापेमारी की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सीएम नीतीश के गृह जिले में जदयू कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी।
शायद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं भर पाए जिसकी उन्हें जरूरत थी। आलम यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले से ही जदयू कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते दिन 40 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कार्यकर्ताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह के प्रति अपनी आस्था जताई। बताते चले कि एक दिन पहले भी जदयू के 35 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर RCP सिंह में अपनी आस्था जताई थी। बताते चले कि बीते दिन हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री ने 50 लाख पार्टी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। तुतला भवानी वाटरफॉल से रेस्क्यू किए गए लोग। रोहतास जिले के तुतला भवानी वाटरफॉल में बारिश के बाद शनिवार शाम को अचानक पानी का प्रवाह बढ़ गया, जिससे तुतला भवानी के सरोवर में स्नान कर रहे आधा दर्जन लोग फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम एवं तुतला भवानी कमेटी के लोगों ने उनका रेस्क्यू किया। रस्सी बांध के करीब 1 घंटे से अधिक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसके बाद फंसे सबको बारी बारी से बाहर निकाला गया। बताते चले कि क्षेत्र में दोपहर बाद से बारिश शुरू हो गई, जिससे शाम में अचानक तुतला भवानी वाटरफॉल ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अचानक जल प्रवाह बहुत तेज और ज्यादा हो गया। लालू नीतीश ने खराब किया बिहार का पॉलिटिकल DNA। एक दिवसीय दौरे पर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी बीते दिन दरभंगा पहुंचे। इस मौके पर परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि 7 पार्टी लेकर हम लोग खड़े हैं, हम तो कहते हैं कि 8वीं पार्टी तो AIMIM वह भी आप ही के साथ है, लेकिन भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और सभी दलों के नेताओं को हराने का काम करेगी। वही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र में एक सिद्धांत के साथ राजनीति होती है, लेकिन नीतीश कुमार ने पूरे सिद्धांत को खत्म कर दिया है। बिहार का पॉलिटिकल JNA को पिछले 32 सालों में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर खराब किया है। गंगा और सोन सहित कई नदियां खतरे के निशान से पार। बिहार में गंगा और सोन सहित जिले में सभी नदियों के जलस्तर में तेजी से कमी होने लगे हैं। पटना में दीघा घाट और गांधी घाट पर आज औसत 31 से 41 सेंटीमीटर तक कमी आने की संभावना जताई गई थी। सोन का जलस्तर मनेर में घट रहा है, हालांकि ये बीते दिन एक खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी। इसके अलावा उत्तर बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से पार हैं। वहीं सुबह तक के अपडेट के अनुसार पुनपुन लोकायन सहित अन्य छोटी नदियों का पानी खतरे के निशान से नीचे है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बिहार में लाया जंगल राज। बिहार में हुई सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा के मंत्री और नेता कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इस बीच मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिहार की जनता को जंगल राज से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा ने बिहार की जनता को फिर जंगल राज से में पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि परिवारवादियों के साथ मिलकर कोई कितना भी मोर्चा तैयार कर ले, इस बात में कोई संदेह नहीं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में ही केंद्र सरकार में भाजपा सरकार बनेगी, किंतु बदली हुई परिस्थिति में आज का बिहार और बिहार की जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां और भी बढ़ने वाली है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा साख और विश्वसनीयता खो रही है जदयू। मणिपुर में जदयू के 6 विधायकों में से 5 के भाजपा का दामन थामने पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि जदयू के शीर्ष नेतृत्व की रीति से पार्टी की लोकप्रियता घटी है। आरोप लगाया गया है कि मंत्रिमंडल के तकरीबन 72% मंत्री दागी हों। उनके साथ सरकार बनाकर मुख्यमंत्री ने अपनी सुशासन की साख पर धब्बा लगा दिया है। उनकी पार्टी के अंदर प्रगतिशील विचार के विधायक भी जदयू की वर्तमान नीतियों से क्षुब्ध हैं। उसी का प्रमाण है कि मणिपुर में 5 विधायक भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कैंसर ने छीन ली बिंदु सिंह की जान। कई दशकों से बिहार और झारखंड में आतंक का पर्याय बन चुके बिंदु सिंह बीते दिन कैंसर से हार मान गए। जहानाबाद जिले के दौलतपुर निवासी 65 साल के बिंदु बीते शुक्रवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह के साथ PMCH में भर्ती किए गए थे। कैंसर, हृदय संबंधी सहित कई बीमारियां से वह जूझ रहे थे। फिर बिंदु पर 35 मामले चल रहे थे। वह बेऊर जेल के सेल में कैद था। आखिरी बार उसे वर्ष 2004 में कदमकुआ इलाके में दीपावली के दिन हुए डॉक्टर इनके अग्रवाल की मर्डर मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब से अब तक वह जेल में ही था। शनिवार की शाम करीब 6 बजे बिंदु की मौत होने की खबर मिलते ही उसके परिजन और समर्थकों की भीड़ PMCH के इमरजेंसी ICU में इकट्ठा होने लगी। कई बार बिंदु सिंह को एम्स दिल्ली में भी भर्ती कराया जा चुका था। राहुल द्रविड़ ने रविंद्र जडेजा को लेकर दिया बड़ा अपडेट। भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने भारत पाकिस्तान मुकाबले से पहले रविंद्र जडेजा के वर्ल्ड कप
में उपलब्धता को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से जडेजा को बाहर नहीं किया जा सकता है। जडेजा घुटने की चोट के कारण यूएई में खेले जा रहे एशिया कप से बाहर हो गए हैं। मालूम हो कि आज रात भारत और पाकिस्तान के बीच एक और हाई वोल्टेज मुकाबला होने वाला है। दोनों ही टीमें सुपर फोर के अपने पहले मुकाबले में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार है। भारतीय टीम ने एशिया कप सुपर फोर में शानदार एंट्री मारी है। टीम लगातार 2 मैच जीतकर 4 अंकों के साथ टेबल में शीर्ष पर रही। पाकिस्तान की टीम 2 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रही है। देश भर में आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी रविवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,219 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली कमी आई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 118 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 61 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,11,068 कोरोना सैंपल की जाँच की गई है, जहां 167 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, सोनू यादव, रंजीत सिंह, नुनू कुमार, लक्ष्मी मेहता, मोहित कुमार, रंजीत मिश्रा और सिद्धार्थ कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम पाकिस्तान सुपर फोर मुकाबले में भारतीय टीम से कौन कौन से खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।